हाय मैं बताऊँ, जब भी मैच्ड वो कहानी है जहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्यार पहले कैसे होता था, चिट्ठियों के थ्रू होता था, अब चैट्स के थ्रू होता है, तो वो चैट में क्या होता है, ये कहानी है जब भी मैच्ड की। और जब भी मैं इनसे मिलता हूँ ऐसे मैं फफल जाता हूँ तो यही हो रहा है मेरा। क्यों भाई? बट नहीं, मैं कैरेक्टर में एकदम मैं घुस गया हूँ, मेथड एक्टर हूँ। बट नो, जब भी मैच्ड की जो हमारी कहानी है उसका नाम सिर्फ एक डेट है, और वो एक डेट के बारे में कि एक लड़का और लड़की जब मिलते हैं और तो क्या होता है, और इससे ज़्यादा बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा रिवील हो जाएगा, बिकॉज बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी है। चारों स्टोरीज काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। आजकल के डेटिंग के सिचुएशन को दिखाया गया है, लाइक हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम, जैसा कि प्रीत ने कहा, पहले के टाइम्स के। तो वही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देख के। कुछ नया मैं हमेशा ही कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हमेशा कुछ नया करूं, तो इस बार भी कुछ नया है। ज़्यादा मैं आपको अपने कैरेक्टर के बारे में फ़िलहाल बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा भी बता दिया ना तो पूरा फिर सस्पेंस मर जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट। बट आज की लड़की है, आज की दोनों ही, मतलब जैसे आज का माहौल है ना फिलहाल, वैसा ही है सब कुछ। और मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ यार। तो आजकल लोग सीधे साधे नहीं आते। मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ। एक्सक्यूज मी, ये जो झूठ है। मेरा हाँ शूट के दौरान, नहीं नहीं, ही इज़ अ वेरी सिंसियर एक्टर, एंड बस बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ ज़्यादा ही। कई बार तो मैं सोच जाती थी कि मैं बैठी हूँ एंड प्रीत डायरेक्टर सर से कुछ पूछ रहे हैं, मैं सी अब कब मैं स्कूल में वो बच्चा होता है ना जो बिना मतलब, जिसको ये होता है कि होमवर्क मैम मैं करके आया हूँ, मैं वो वाला बच्चा था। तो हमेशा एक एक्साइटमेंट होती है कैरेक्टर के बारे में और जानने की, क्योंकि मेरा प्रोसेस ही यही है कि मैं जितना सवाल पूछता हूँ उतना शायद जानने मिलेगा, एंड उतना मैं भी खुद इन्वॉल्व हो पाऊँगा। और इस शो में, इस जो सिर्फ एक डेट जो कहानी हमारी, उसमें मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ, वो आप देखेंगे, और कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी मुझे देख के आपको लग ही रहा होगा। तो सो या, वी आर एक्साइटेड, दिस इज़ अ ग्रेट मैच। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद शिवांगी। मतलब मैं बहुत खुश था कि एक फ्रेश पेयरिंग है, हम दोनों बहुत ही अलग अलग दुनिया से आते हैं। इन्होंने ऑब्वियसली टेलीविजन सुपरस्टार है, मैं फिल्में करता हूँ, मैं ज़्यादातर एडफिल्म करता हूँ, और वहाँ से एक अलग मीडियम पे दोनों का साथ आना, एंड देयर सो मच टू लर्न from Shivangi and so much to learn from Preet. बस यही सुनना था मुझे, thank you so much. पूछ रहे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ट्विस्ट हुआ है कि नहीं तुम्हारा? हमारा जो ये शो है जब भी मैच, ये ऑनलाइन डेटिंग के ऊपर है, और मैंने कभी वो किया नहीं है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो उसमें कुछ है नहीं, पर दोस्तों के साथ आई डोंट नो यार, आई थिंक आप ज़्यादा बता पाओगे इस बारे में। आई थिंक हम सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप पे हमेशा अपना एक बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करते हैं, हम असल ज़िंदगी में जैसे होते हैं वो तो बताते नहीं है, चाहे वो नॉर्मल पुराने टाइम में भी जैसे अरेंज मैरिज पे जाते, तो पहली बार जब किसी लड़की या लड़के से आप मिलते हो तो आप हमेशा अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हो, लेकिन असलियत कुछ और होती है। यू नो, जब आप साथ में रहने लगते हो, जब वो बोरिंग पल आने लगते हैं, तो आप एक्चुअल में कैसे होते हो, तो वो आपको तो वो ट्विस्ट तो सबको ही मिलता है लाइफ में एक बार कहीं ना कहीं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो सब अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन जब अच्छा नहीं होता है तब आपको कौन प्यार करता है, तब आपके साथ कौन खड़ा रहता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और ये शो में भी आपको कुछ पता चलेगा, जैसे एक बार में कभी आप किसी से मिलते हो और आपको लगता है कि आप इसको सदियों से जानते हो, तो ये मेरे कैरेक्टर और इनके कैरेक्टर के साथ ऐसे ही कुछ होता है कि हम ये कई डेट्स पर जा चुकी है एज अ कैरेक्टर, और जब वो मुझे मिलती है तो उन्हें लगता है यार कि कुछ कहीं कुछ कनेक्शन है, कुछ बात है, और फिर कहानी आगे बढ़ती है, वरना मैं पूरी कहानी बता दूंगा। बट या yeah.
सिर्फ एक डेट के बाद? जैसे आपने कहा कि रियल लाइफ में आपने कभी किया है, हाँ हाँ, लेकिन इस दौरान जब शूट के दौरान, शूट के दौरान जो मैंने ये ऑनलाइन डेटिंग एक्सपीरियंस किया, आप ये कह रहे हो? पूरी शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कुछ अलग मैंने एक्सपीरियंस किया क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, तो मुझे पहली बार पता चला कि लोग ऑनलाइन डेट पे अगर जाते हैं तो यू नो कैसे बात करते हैं, कैसे बातें होती हैं एंड ऑल दैट, सो अच्छा था एक्सपीरियंस था, बट ठीक है शूटिंग तक ही ठीक है। मेरा ओवरऑल शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे फ्रॉम प्रीत, फ्रॉम द टीम, एंटायर टीम है, काफ़ी यंग लोगों की टीम है और सभी बहुत अमेजिंग थे, तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला और या सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और जहाँ तक हमारी स्टोरी की बात है, हमारी फिल्म की बात है और ये चारों फिल्म की बात है, इससे भी ऑडियंस को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती आपको। That's the suspense, guys. जी जी हाँ, हमें चारों स्टोरीज़ के बारे में पता है और चारों स्टोरीज़ एक दूसरे से बहुत अलग हैं, पर उन स्टोरीज़ के बारे में ज़्यादा आपको वो लोग खुद बता पाएंगे, तो आप उन्हीं से पूछिए। अरे 100%, बाकी जो तीन स्टोरीज है उनको सुनने के बाद भी मुझे लगा यार मुझे इन सब कहानियों में होना था, एक एक अलग अलग यूनिवर्स में एक कैरेक्टर प्ले करना था, स्पेशली जो अभिषेक वाली जो कहानी, अभिषेक और मयूर जो इनका नाम क्या, एल्गोरिथम, डेटिंग एल्गोरिथम, वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आई वॉज वेरी वेरी फैसिनेटेड विद व्हाट दे हैव क्रिएटेड एंड पर मेरी फेवरेट तो सिर्फ एक डेट ही है। हाँ, मेरी बहुत सारी डेट फेवरेट है। नहीं नहीं नहीं, मैं स्टोरी की बात, मैं भी स्टोरी। काफ़ी आई थिंक बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, तो अच्छा लग रहा है। अभी आई थिंक हमें टीम भी अमेजोन मिनी की बता रही थी कि रिस्पॉन्स कितना अमेजिंग है, तो वी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक तो अमेजोन मिनी टीवी इतना सही ऐप है ना, क्योंकि शॉपिंग ऐप भी होता है और फ्री भी होता है और फ़ोन पे आप देख सकते हो और इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, सो आई थिंक द ट्रेलर इटसेल्फ वो पूरी जो हमारी चारों कहानी है उसका एक सार है एंड बहुत क्यूटली प्रेजेंट किया हम सबको एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड बहुत कम समय में एक कहानी को आपको डिस्प्ले करना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है और टेरिबली टेनी टेल्स हैज़ डन दैट। उनका नाम जो है टेरिबली टेनी टेल्स, उसका मतलब ये है कि छोटे छोटे शब्दों में, कुछ शब्दों में पूरी कहानी बताना, एंड दे हैव डन इट फैंटास्टिकली विद ऑल दीज फोर फिल्म्स ऑल्सो एंड ट्रेलर को बहुत अच्छा रिएक्शन मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इट्स अ कैरेक्टर आई हैव नॉट डन बिफोर, शी इज़ नॉट डन बिफोर, तो और स्पेशली हमारी पेयरिंग को लेकर जो जितने भी लोग हैं, हमारी जो इंस्टाग्राम पे फैमिली है, सोशल मीडिया पे, दे आर लविंग इट एंड वी आर हैप्पी दैट दे आर लविंग इट। आई वाज वेरी हैप्पी, मुझे प्रीत तो पेप्सी एड से याद है, तो मुझे था ओह तो पेप्सी गाय, नाइस, ओके। पेयरिंग अलग थी तो मुझे भी लगा कुछ अलग करेंगे, अच्छा लगेगा लोगों को, एंड आई एम ग्लैड कि लोगों को पेयरिंग अच्छी लगती है और ट्रेलर अच्छा लगा। सिर्फ एक डेट, तो डेट तो एक अच्छे से कैफे में एंड उसके बाद एक और लोकेशन है, बहुत स्पेशल लोकेशन है, लेकिन वो ऑफ कोर्स स्टोरी जब आप देखोगे तो आप पता चलेगा, वरना ज्यादा रिवील हो जाएगा। बॉम्बे में ही शूट किया हमने, बट है हमने दिल्ली दिखाया, पर दिखाया दिल्ली, ओ नो। बताओ, मैं तो बहुत गाने गाता हूँ, जब भी बीच में टाइम मिल जाता है ना, मैं गाना गाना शुरू कर देता हूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है, तो बाकी सबका भी हो जाता है, तो हम ऐसे बहुत करते थे, मैं गाता था, ये सुनती थी, तो हम सभी सुनते थे, एंड ही इज़ अ रियली गुड सिंगर, थैंक्स, आई मीन यू सिंग वेरी वेल, या। मैं तो बड़े प्लान बना रहा हूँ, सामने वाला कोई बोल ही नहीं रहा, हाँ पता है, मैं सबको पूछ चुका हूँ। आई हैव नो प्लान्स,
नो मैं मतलब मेरी फैमिली है यार, मैं उनके साथ, मैं अपनी मम्मी के साथ वैलेंटाइंस डे मनाने वाली हूँ, तो या आई मीन आई विल टेक हर आउट ऑन अ डेट. या मेरे घर पे चल रहा है वैलेंटाइंस, प्रॉपर फॉलो होता है वीक, तो मुझे सुबह रोजेस भी मिले थे कल, आज चॉकलेट्स भी मिली हैं. तो हाँ, मेरे घर पे तो मेरी मम्मा और मेरा इक्वेशन ऐसा है, तो हम दोनों आपस में सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि मेरे पापा फिलहाल देहरादून में हैं और मैं हूँ घर पे उनके साथ, तो हम ही एक दूसरे के वैलेंटाइन हैं. मुझे किसी ने नहीं दिया, अगर किसी को देने की इच्छा हो यहाँ पर भी जो मौजूद है वो दे सकते हैं. हैं सरप्राइजेज और भी हैं, बहुत जल्दी आपको उनके बारे में भी पता चलेगा. फिलहाल उनके बारे में बात नहीं कर सकती, लेकिन जब भी मैच आ रहा है तो गाइस मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारी ये फिल्म देखें, और जैसे आपने हमेशा मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, हमारी फिल्म को भी उतना प्यार दें और हमें बताएं आपको कैसी लगी. बस देख लो यार, जाके प्यार व्यार दे दो, और Amazon वालों से दरखास्त है कि सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दे दो हमको, अगर शो अच्छा चले तो. ओह, Amazon ऐप के? हाँ हाँ, प्लीज. जस्ट किडिंग, वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई होप कि हमें जितना मजा आया और जितनी खुशी हुई शो बनाते हुए, आपको भी उतना अच्छा लगे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ओके, थैंक यू, पीस आउट. यहाँ पे